हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर न्यूज़ चल रही है इंडिया में कि भाई आने वाले समय में 1 जनवरी 2023 यानी आने वाले 10-12 दिन के बाद जो नया साल आने वाला है उसमें अगर सिंगापुर में स्टूडेंट पास के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो IELTS की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। काफ़ी एजेंसी बोल रहे हैं कि IELTS की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो ये कहाँ तक की न्यूज़ सही है कहाँ तक गलत है मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर में आ रहे हैं तो भाई पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो क्या उसमें IELTS की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऐसा ही पहले सिंगापुर में कभी IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब ऐसी न्यूज आ रही है तो क्या ये इतना सच है, कैसी क्या ऑफिशियल न्यूज है या नहीं है, पूरा डिस्कस करने वाला। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल और भाई इसी तरह से प्यार बनाए रखो। और भाई मैंने एक नया चैनल बनाया RR इन्वेस्टिंग अकेडमी, इस स्क्रीनशॉट पर आया और इस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल का जो मकसद है ना भाई, मैं अपने 12 साल का एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पर देने वाला हूं कि फिनांस की जो मैंने अपनी प्लानिंग करी, मैंने कौन कौन सी गलतियां करी हैं जो आप ना करो। लोग विदेश जाके 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी कमाते हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनसे पूछो तो उनके पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं होता, 50 लाख रुपया भी नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पैसा कमा रहे हैं विदेश में जाके, इस चैनल से तो आप विदेश चले ही जाएंगे। तो भाई अगर एजेंसी की डिटेल वगैरह भी देखनी है तो मेरे इस चैनल को जाके देख लो सारी। आप यूरोप जाना चाहते हो, मलेशिया, सिंगापुर जाना चाहते हो, पोलैंड, क्रोशिया, माल्टा, दुबई में जॉब लेना चाहते हो, तो एजेंसीज की डिटेल भी इस चैनल पर ढंग से देख लो। लेकिन एक मैंने उस चैनल का जो लिंक है RR इन्वेस्टिंग एकेडमी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, इसका मकसद मेरा यह है कि भाई आने वाले अब जॉब कब तक आदमी सिक्योर करेगा और कब तक करेगा विदेश में। हर कोई आदमी 10-15 साल जॉब करना चाहता है, उसके बाद अपनी अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है। तो हमने इन्वेस्टिंग की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है आपको 1 साल तक उस चैनल से जुड़ना है, MBA की सारी नॉलेज वहां पर मिल जाएगी कि कैसे पैसों को हमें इन्वेस्ट करना ताकि सही समय पर हम अच्छा रिटर्न कर सके और आने वाले समय में हम अच्छी और हैप्पीली लाइफ जी सके अपनी फैमिली के साथ। तो उस चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो देखना और वीडियो अच्छी लगे तभी शेयर सब्सक्राइब करना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैंने आपने इन्फॉर्म देनी। अब बात करते हैं सिंगापुर का जो स्टूडेंट वीजा है, क्या सिंगापुर में IELTS की रिक्वायरमेंट्स कंपलसरी हो रही है या हो गई है या होने वाली है। तो सबसे पहले बता दो भाई, सिंगापुर ने अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि IELTS आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं लाइक NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NTU नेशनल टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटीज, तो इस तरह की जो SIM सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्राइवेट कॉलेज है, यहां पर अगर आप डिप्लोमा वगैरह के लिए भी IELTS की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहां पर कोई भी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन वेयरहाउस, डिप्लोमा इन जो भी डिप्लोमा चल रहे हैं उसमें अगर जो 6 महीने की पढ़ाई और 6 महीने की OJT है उसमें एडमिशन लेने के लिए कोई IELTS की रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं है और ना ही आने वाली है अभी तक। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटीज में डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं लाइक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एनी कोई IT, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लाइक NUS है, SMU है, अगर आप MBA भी करना चाहते हो SMU सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, तो यहां पर IELTS की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हो नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से किसी और कंट्री में मूव हो गए तो IELTS की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। सिंगापुर में अभी तक डिप्लोमा वालों के लिए कोई न्यूज नहीं है, सब फेक न्यूज है। सिंगापुर में जैसे नॉर्मल अगर कोई डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए आ रहा है तो भाई नॉर्मली आएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट जो पहले की प्रोसेस है वही प्रोसेस चलेगी। अभी IELTS की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं, अगर IELTS की रिक्वायरमेंट होने लगी डिप्लोमा में तो सारे के सारे लोग और कंट्री में मूव करेंगे और सिंगापुर जो प्राइवेट कॉलेज है वो बंद हो जाएंगे। तो सिंगापुर की जो प्राइवेट कॉलेज है वो नहीं चाहते कि IELTS चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर डिग्री करते हैं तो IELTS चाहिए, डिप्लोमा में कोई IELTS नहीं चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे सिंगापुर में आपको पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ नहीं है, लोग इलीगल करते हैं लीगली। तो भाई अगर IELTS की रिक्वायरमेंट है, अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाए, अगर जॉब भी हमें नहीं मिलेगी, तो भाई मैं इससे बढ़िया अप्लाई करूंगा किसी और कंट्रीज में, मैं सिंगापुर में क्यों आऊंगा। अब देखो सिंगापुर की जो फीस है $5,000-6,000, $7,000 डिप्लोमा की होती है, लोग 6 महीने पढ़ाई करने के बाद 6 महीने में कमा लेते हैं उतना, उसके बाद फिर कोई जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग मूव हो जाते हैं और कंट्री में। इस तरह से सिंगापुर को एक डेस्टिनेशन इस तरह से माना है कि पाथवे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यहां पर आप 1 साल पढ़ के, 6 महीने पढ़ के, 6 महीने पढ़ाई करके आप इन्वायरमेंट को समझ के वर्क परमिट या एस पास आपकी जो एलिजिबिलिटी
चीज है, आपका इंटरव्यू वगैरह से होके आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, गारंटी कुछ नहीं होती। गारंटी तो कहीं भी, आप कनाडा में भी पढ़ोगे तो भी जॉब की गारंटी नहीं है, इंडिया में भी पढ़ोगे तो भी जॉब की गारंटी नहीं है, लेकिन यह कि आपके एक चांसेस, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास हो जाता है। यहां से आप किसी और कंट्री में मूव होना पसंद करते हो तो हो भी सकते हो, लेकिन उसमें IELTS की रिक्वायरमेंट, लेकिन जो आप डायरेक्ट इंडिया से डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई, क्योंकि अब इमिग्रेशन पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आप कौन सी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, कोर्स फीस क्या है, कोर्स के मॉड्यूल्स क्या है, कितने साल का कोर्स है, कितने महीने का मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल पहले है, इस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चन चाहिए। लेकिन सिंगापुर में IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर डिग्री के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।